Assalamualaikum, welcome to the Road Manager of Pakistan. आपका दोस्त हैश हैश वेंचर्स हैज ऑलरेडी वेलकम. भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज का प्रोग्राम कुछ मैंने ये बनाया है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए देखने के लिए. तो कमेंट्स में क्या है कि भाई जो भी ट्रिप पे जाने से पहले जो वेकेशन करते हैं हम लोग, उस वेकेशन के बारे में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं मुझसे. फिर मैंने प्लान किया कि आज मैं ऐसी नई चीज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए जो ट्रिप पे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ये वीडियो लाजमी देखो, ट्रिप पे जाने से पहले ज़रूर देखो क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है तुम्हें वीडियो देखने के बाद. और सेकंड चीज़ ये है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जो ज़रूरी है क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. जितने लोग ट्रिप पे जाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रिकॉशन चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. चलते हैं अपनी वीडियो की जाने और तमाम वो चीज़ें जो ट्रिप पर जाने से पहले बहुत ज़रूरी हैं वो मैं आज इस वीडियो में दिखा रहा हूँ. तो चलते हैं. तो बस चलते हैं पहले स्टेप की तरफ और ये बाइक रेडी है और ऑयल निकालते हैं. पहले सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इसका हाउ टू चेंज ऑयल, कि आप किस तरह से ऑयल चेंज करोगे, क्योंकि हर ट्रिप पे जाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जो आपका ऑयल होता है ये बहुत ज़रूरी है. तो देखते हैं अब ऑयल कैसे निकलता है और फिर आगे मूव ऑन करते हैं. ऑयल चेंज करते हैं तो ऑयल किस तरीके से चेंज करना है, तो ऑयल चेंज करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि जो आप जो भी टूल्स यूज़ करो ना, तो टूल्स आपके ऐसे होने चाहिए बिल्कुल फिक्स कि आपके जो नट बोल्ट हैं वो स्लिप ना हो. क्योंकि क्या होता है कि हम जब वही लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाली बात होती है कि अगर नीम अकीम खतरा है जान वाली बात, तो अगर टूल्स ज़रा सा भी स्लिप होगा तो आपकी हर चीज़ की रेड मार सकते हैं. जिस तरीके से मेरा टूल जो था, मैंने जो नट लगवाया हुआ वो लगाया हुआ 21 mm का. तो ये 21 mm की टामी मैं यूज़ करता हूँ इसमें, इसे गोटी पाना कहते हैं. तो नॉर्मली गाड़ियों में चेंज होता है, मेरे पास 21 mm का लगा हुआ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस. तो इसको फिक्स होना चाहिए तो, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो फिक्स होना चाहिए. मैं दिखाता हूँ आपको फिक्स किस तरीके से होना चाहिए आपका टूल. दिखाते हैं करेंगे, ये पूरा आपके नट पे आना चाहिए ऐसे इस तरीके से. ये आप देखिए हिल नहीं रहा, ठीक है. अब ये क्या होगा कि इसको राउंड हमेशा अपने लेफ्ट साइड पर आप राउंड करके खोलेंगे ऐसे इस तरीके से. ये इस तरीके से राउंड करके खोलना है आपको और ये इजीली खुल जाएगा, आपका नट लूज़ हो जाएगा. लूज़ होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से बॉटल को की बना के यूज़ करेंगे, कर सकते हैं हम, यू कैन यूज़ दिस लाइक दिस. लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कीप है, कीप मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसको यूज़ करने वाला नहीं हूँ. तो मैं इसमें इस तरह यूज़ करूँगा और अब हम इसको ऑयल निकालते हैं, देखते हैं कि ऑयल कैसे निकलता है. तो बस ऑलमोस्ट ठीक है, डन हो गया, ऑयल निकल गया. अब इसमें ऑयल चेंज करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको. हाँ तो भाई ऑयल चेंज हो गया बस. अब सीन क्या है कि दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारी चीज़, ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर चेंज करना ज़रूरी है. तो कोशिश करो कि जो ऑयल फिल्टर है वो सुजुकी का ले लो, सुजुकी का ले लो ज़्यादा बेहतर है. तो हम सुजुकी का ऑयल फिल्टर चेंज कर रहे हैं. अब ऑयल फिल्टर किस तरीके से चेंज होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, कोशिश करें कि हर दो ऑयल के बाद ऑयल फिल्टर चेंज कर लें, आपको ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये पैकिंग मैंने इसकी खोल ली है और ये सुजुकी का अपना ब्रांडेड जो है मैं लेकर आया था सुजुकी कंपनी पे, और ये ऑयल फिल्टर आ गया. अब इसको किस तरीके से चेंज करते हैं ये हम देखते हैं यहाँ. तो क्या करना है कि एक 10 की टामी चाहिए आपको इस तरीके से, और इसे यहाँ फंसा के ऐसे, और इसको ऐसे रिवर्स में खोलना है ऐसे, और सारे के सारे नट एक साथ आपको लूज़ कर लेने हैं ऐसे. और जब सारे नट लूज़ हो जाएंगे तो होप यू गाइस इस तरीके से खोल सकते हो इसको. इस तरीके से सारे नट खोल लें. नट खोलने के बाद क्या है कि ऑयल फिल्टर देख लें, ये ऑयल फिल्टर दिखाओ, उनको क्लोजअप करो थोड़ा सा. ऑयल फिल्टर इस तरह से लगा हुआ होता है और इसमें भी सेम ये होता है. तो जिस तरह से आप निकालोगे इसी तरह से इसको वापस कोट करना है. तो हम इसको ऑयल फिल्टर को निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा इस तरीके से हमें. ओए निकल जा, अबे कुछ चीज़ लानी पड़ेगी, ठीक है. अभी मुझसे आसानी से नहीं निकल रहा था भाई, तो मैंने इसको की से निकाल लेना इस तरीके से, आसानी से बाहर आ जाए. इसे बाहर निकालना है, निकालने के बाद आपको एक कपड़ा लेना है, लेने के बाद उसको अंदर से इस तरीके से साफ़ कर लेना है और भरपूर तरीके से साफ़ करना है सही से, कि ये बिल्कुल ऐसा हो जाए नया एकदम 0 meter, ठीक है भाई. और यहाँ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि कोई रॉकेट साइंस हो आपको कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी हो,
कुछ भी नहीं, बस इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपको आपका ऑयल फिल्टर चेंज कर देना है। ऐसे लगा हुआ था, इसको ऐसे चेंज करना है वापस। इसको उनको क्लोजअप दिखाएं, अंदर कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है अंदर, कुछ भी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें ऐसा कुछ किया कि नया नहीं कर सकते हम घर में बैठे बैठे। हम ये कर सकते हैं, और हर 3 ऑयल के बाद, मैं लाजमी बता रहा हूँ आपको, 3 ऑयल के बाद आप लाजमी चेंज करवा लें। ये इसको इस तरीके से पुट करना है। पुट करने के बाद वापस इसको भी साफ़ कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है, एक और चीज़ बताऊँ आपको, कि अक्सर लोगों के ना ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, इस तरीके से एक पैकिंग लगी हुई होती है, तो ये पैकिंग अगर लीक हो जाती है तो फिर ये ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है। तो इसको लाजमी चेक कर लें ताकि ये आपका ऑयल लीक ना हो। और इसे लगाना किस तरह से, बहुत ही ईजी है। इसके स्प्रिंग को रखना है, सुजुकी का मोनोग्राम ऐसे रखना है। रखने के बाद इसको इस तरीके से प्रेस करना है। करने के बाद आपको वही नट जो आपने खोले थे वो वापस लगाने, और स्टेप बाय स्टेप लगाने। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको हमें बंद कर देना है, और ये हमारा ऑयल फिल्टर हो गया चेंज। और ये बहुत ज़रूरी है ऑयल फिल्टर चेंज करना, और आप इजीली कर सकते हैं घर में अगर आपके पास टूल्स अच्छे हैं। तो कोशिश करें इसको ज़्यादा अपनी फोर्स के हिसाब से ना टाइट करें, उतना ही टाइट करें जितना आप इसको वो ज़रूरत हो। ऑयल फिल्टर रेडी। ज़्यादा ऑयल आप डालते हैं हेवोलिन, मैं यूज़ करता हूँ हेवोलिन 20W50, ये यूज़ करता हूँ। ये सुपर 40 है। अब ये क्यों यूज़ करता हूँ, इस ये फिर कभी नई वीडियो में बताएंगे कि ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए, और GS 150 में स्पेशली क्या इश्यूज़ आते हैं वो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट पे बताऊंगा कि ऑयल में क्यों यूज़ करता हूँ। फिलहाल अभी चलते हैं ऑयल की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, ऑयल कैलटेक्स जो है वो एक नई चिट देती है। यहाँ पर ये इसको स्क्रैच करेंगे जब कैलटेक्स को, तो आप इसको यहाँ पर एक कोड निकलेगा ये, और ये देखें इस आ गया कोड। इस कोड को आप मैसेज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ओरिजिनल है भी या नहीं, क्योंकि मार्केट में 2 नंबर बहुत अवेलेबल है। तो इस तरीके से, बहरहाल अब चलते हैं आगे, ऑयल डालते हैं अपना। तो अच्छा, मैं कैलटेक्स ही क्यों यूज़ करता हूँ ये मैं आपको कभी ऑयल वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा कि कैलटेक्स ही क्यों यूज़ करता हूँ। तो ये इसकी सील होती है कैलटेक्स की, और ये सील हम डेफिनेटली ब्रेक करेंगे इसको। ये नॉर्मली सील जो होती है लोकल, तो वैसे ऐसी खुल जाती है। हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद 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 ना, तो इससे ऑयल चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे सुजुकी GS 150 जो है वो अपना पूरा ऑयल का सेटअप दिखाती है कि किस तरह से ऑयल फिल है या नहीं है। तो अभी अभी ऑयल चेंज किया है, तो ऑयल आप देख लें, ऑयल चेंज हो चुका है। और अब इंशाल्लाह जो है वो चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। और ये ज़रूर करें, किसी भी ट्रिप पर जाने से पहले ये तमाम चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सीन क्या है कि भाई, ऑयल तो चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर भी चेंज हो गया। अब चलते हैं एक और स्टेप की तरफ, जो मैंने कहा था कि अब चेंज करना है इसको। तो एयर फिल्टर चेंज करते हैं, देखते हैं कि एयर फिल्टर किस कंडीशन में निकलता है, क्योंकि 2 ट्रिप कर लिए मैंने इसको, पर अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो एयर फिल्टर के लिए क्या करना है कि आपको इस तरीके से GS का कैप खोलना है, और कैप खोलने के बाद ये निकल गया आपका एयर फिल्टर। कंडीशन जो है ना मेरे एयर फिल्टर की, तो हो गई है टाइट, क्योंकि ये यहाँ से इस तरीके से ब्रेक हो चुका है, फट चुका है। तो मैं इसे तो वापस नहीं लगाने वाला। नॉर्मली करते क्या है कि इसको हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद इसको हम वापस लगा देते हैं, धो धा के, सर्फ अगर धो के। तो
मैं इसको वापस लगाने वाला नहीं, क्योंकि मैंने इसको निकाल देना है ऐसे प्यार से, और इसकी लग गई है बॉट अंदर से, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला। मैं लेकर आया हूँ सुजुकी का नया, बिल्कुल नया एयर फिल्टर, सुजुकी कंपनी से जो बिल्कुल नया एयर फिल्टर लिया है। मैं इसमें ये पुट करने वाला हूँ, तो चलते हैं इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से लगेगा। और ये हो गया ब्रेक भाई, और ये निकल आया है, और ये कंडीशन देखें हमारा नया है ये 0 मीटर। और क्या कह रहे हैं, ये लगाएंगे हम, इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, तो हम यही लगाएंगे। तो ये लगाने से पहले हम क्या कर लें भाई, थोड़ा सा इसको क्या ले करें, इसको अंदर से साफ़ कर लें किसी भी कपड़े से, इस तरह से इसको साफ़ कर लें अंदर से, ताकि जो डस्ट वगैरह लगी है वो तमाम डस्ट आपकी साफ़ हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है भाई करना, वरना गाड़ी का दम घुट जाता है। अगर आपको सांस सही से ना आए तो आप चल सकते हैं, नहीं चल सकते तो दैट इज़ द रीज़न कि आपका एयर फ्लो जो होता है ना वो सही होना चाहिए, आपकी वेंटिलेशन अच्छी होगी, गाड़ी की सांस नहीं घुटेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कोई हिल्स वगैरह पर जाते हैं तो एयर फिल्टर निकाल भी देते हैं, इसलिए कि ताकि इसका अच्छा काम कर सकें। इसको भी धोना था लेकिन जो है वो अभी फ़िलहाल, चलो भाई ये हो गया साफ। अब इसको हम, यज्ञा भाई रेडी है, मुश्किल से जो है वो 10 to 15 सेकंड लगे और आपका ये एयर फिल्टर चेंज हो गया, इतना टाइम नहीं लगता, चेंज हो गया बस। अब इसको चेंज करने के बाद इसका जो अपसाइड है वो हम यहाँ पर इसको अपसाइड लगा देंगे ऐसे वापस, और नाउ योर एयर फिल्टर चेंज, इसकी सफाई कर लेंगे अच्छे से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये भी हो गया आपका, इसको पैक करते हैं, तीसरा काम भी डन। हाँ तो भाई चलें, चौथा स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब हमें चेंज करना है बैटरी का पानी, और बैटरी को देखना है कि बैटरी में क्या इश्यूज आ सकते हैं वो देखना है। ऐसे करना है, आप बैटरी लगी हुई भाई, और बैटरी को खोल लेते हैं पहले। क्या चीज़ है ये, रस्ट लग जाता है बहुत ज़्यादा, ये न्यूट्रल के ऊपर लाजमी रस्ट लगता है, तो इसको साफ़ कर लें, उस पर ग्रीस लगा के फिर लगाएंगे। इसका पहले पानी चेक करते हैं कि पानी का लेवल क्या है, पानी चेंज करते हैं उसके बाद इसको लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गाड़ी के अंदर अगर 12 वोल्ट कंप्लीट आएगा तो ही गाड़ी सही से काम करेगी, करंट पूरा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए ऐसा भी करते हैं। मेक श्योर भाई कि प्लस और माइनस ज़रूर देख के लगाना, यहाँ लिखा हुआ होता है। जब हम आजकल जैसे चेंज कर रहे हैं बैटरी 10 एम्पेयर वाली या उससे ज़्यादा एम्पेयर वाली लगा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिवर्स होता है, बैटरी रिवर्स करके लगती है, जो अभी नेशनल की नई बैटरीज आ रही हैं वो रिवर्स करके लगती हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना प्लस एंड माइनस ज़रूर चेक कर लो। अच्छा, अब क्या सीनेरियो है कि एक होता है माइनस, ये मेरा माइनस तो ये रहा, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जॉइनिंग की हुई है किसी वजह से, और रीज़न बताऊँगा आपको। अच्छा, और ये हो गया मेरा एक चीज़, ये तो मैंने कर लिया भाई, इसको रिंग में डाल के माइनस में, ठीक है, इसको भी नट कर लेंगे टाइट। ये तो हो गया टाइट। अच्छा, एक और चीज़, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो है मेरे पास ये एक और तार किस चीज़ का आ रहा है, और मैं इसे प्लस के साथ क्यों लगा रहा हूँ, ये एक और स्टोरी है, ये मैं इंशाल्लाह इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊँगा। मैंने इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी चीज़ बना के लगाई हुई है, जो इसमें रखी हुई है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये क्या चीज़ है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने ये क्या एक नई जुगाड़ की भी है। तो इसको अब हम लगा देंगे इसके साथ प्लस करके, ये दो तारें इस तरीके से, इसे हम प्लस के साथ इस तरीके से रिवर्स कर लेंगे, और माइनस तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो ना भाई, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो ट्रिप पर जाने से पहले ज़रूरी हैं वो हो गई हैं आपकी कम्प्लीट, और होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो ज़रूर कमेंट्स करें नीचे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बैटरी का पानी ज़रूर ओरिजिनल यूज़ करें, लोग जो है वो मीठा पानी डाल लेते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, तो तेज़ाब यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बहुत दुआ में याद रखें।